लेकिन भाई सिटी में भी तो चलाओगे, सिटी में तो भाई अब गाड़ी, अब आप मुझे खुद बता दो दोस्तों, ये माइलेज देखने के बाद आप सिटी में निकालोगे इस गाड़ी को, लोकल आपको कुछ काम से जाना है। अब आया 20 की स्पीड पे जाके इसने दूसरा गियर लिया है, 1.5 जो है 4 की स्पीड पे दूसरा गियर ले रहा है, DSG। हाँ तो दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल दक्ष अग्निहोत्री पे, मेरा नाम है दक्ष और आज मैं रखूंगा अपना पक्ष। दोस्तों आज की वीडियो में तो मैं आपको, हम देखो वैसे तो एक SUV है एक सेडान है, कोई कंपैरिजन ऐसा खास बनता नहीं है, लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म सेम है सब कुछ सेम है, लेकिन जो अलग है भाई वो है इनके इंजन। इसमें आपको मिलता है 1 लीटर का TSI इंजन, इसमें आपको मिलता है 1.5 लीटर का TSI इंजन। अब आप बोलोगे भाई मतलब क्या है 1.5 और 1 लीटर को कंपेयर करने का, तो बिल्कुल सही बात भाई, यही मतलब है। आज हम आपको बताएंगे कि 1.5 और 1 लीटर में भाई फ़र्क क्या मिलता है अगर आप इतना पैसा स्पेंड कर रहे हैं, लाइक अगर आप इसका टॉप लाइन ले रहे हैं या फिर इसका स्टाइल वेरिएंट ले रहे हैं ऑटोमेटिक में, तो भाई 2-2.5 लाख का फ़र्क रह जाता है, आपको 1.5 भी मिल सकता है। तो क्या फ़र्क है भाई दोनों में, क्या आपको अपना पैसा बचाना चाहिए 1 लीटर ही लेना चाहिए या अपना पैसा खर्च करके पैसा फूक कर जो है 1.5 लेना चाहिए, तो सारी बातें जो है आज हम आपको बताएंगे एज अ 1.5 ओनर। हम जो है स्कोडा का जो है 1 लीटर चलाएंगे एंड आपको डिफरेंस बताएंगे DSG टॉक कन्वर्टर। ये देख लो भाई, अगर विश्वास ना हो तो ये अच्छा, इसका एक बार दिखाना, इसका बड़ा नंगा सा इंजन लगता है स्कोडा, मतलब ये जो 1 लीटर वाला इंजन है, ये बंद कर दो, इसकी तीली लगा दो, तेरा इंजन भी दिखा दें, काफ़ी लोग इंजन नहीं देखते तो भाई साहब ये क्या लीक हो रहा है फॉक्सवैगन वालों, ये देख लो भाई चोरी पकड़ी गई तुम्हारी वीडियो के अंदर। ये देखो भाई यार ऑयल लीक हो रहा है यार, ये अगर सनरूफ लीक हुई होती तो मज़ा भी आता है। ये देख लो भाई ये कुछ दिखता है 1.5 इंजन TSI भाई 150 BHP 148 BHP। चाबी मेरे पास है, ये लो, हालत देखो भाई स्कोडा की क्या हो रखी है, जैसे गोलियां लगी हों पूरी गाड़ी पे। ये देखो भाई कबूतरों ने भाई गन शॉट्स बना दिए पूरी गाड़ी पे, ये देखो ये देखो भाई 1 लीटर इंजन, ओए होए होए, क्यूट सा इंजन है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा, प्यार आ जाता है भाई इस इंजन को देख के। ये देखो जैसे मैंने आपको दिखाया, ये बैटरी इतनी जगह खाली छोड़ी है भाई, मतलब ये इंजन ना ऐसा लगता है कि भरा हुआ है, एकदम भरा हुआ है इंजन में, ये ऐसा लगता है भाई ये क्या ढीला ढाला सा इंजन है, ऐसे करके निकाल लो जेब में डाल लो यहाँ पे बंदा बैठा लो, मतलब बहुत ना। ये देखो इतनी सारी फ्री स्पेस है यहाँ पे, आपको ऐसा लगेगा ना 1 लीटर इंजन देखने में कि भाई बड़ी जगह पे ना छोटी चीज़ डाल रखी है। एंड हम आपको ये भी बताएंगे कि SUV और सेडान में इनकी क्या फ़र्क है, बिकॉज कुशाक जो है और टाइगुन सेम ही है, तो अगर आप कुशाक और स्लाविया या फिर वर्टस और टाइगुन में भी कंफ्यूज हैं तो आज आपको वो भी पता चल जाएगा कि भाई SUV सेडान में क्या फ़र्क है। पावर डिलीवरी की तो बात ठीक है, लेकिन जो अराउंड द कॉर्नर्स वगैरह जो सेडान के बेनिफिट्स रहते हैं वो सब आपको बताएंगे। चलो अब स्लाविया के अंदर चलते हैं, ये बंद कर लो, ऐसे नहीं चलानी गाड़ी, डंडी अटक गई स्कोडा की, वो कह रही है मत चलाओ मुझे 1.5 के बाद, थोड़ा मैं निकाल लूँ उसके बाद। वो भाप रहे भाई, भागती है ये गाड़ी ब्रेक छोड़ते ही, मतलब इतनी जोर से भागती है, मतलब टाइगुन में चलाता हूँ ना 1.5 इंजन भाई, वो इंजन नहीं भागता इतना, मतलब इन द सेंस कि जब आप एकदम पार्किंग से ब्रेक छोड़ो ना भाई साहब, उड़ रही है ये गाड़ी तो, लिटरली उड़ रही है। ये पूरा कंपैरिजन 1.5 के बाद मैं बना रहा हूँ, जैसे ही मैंने ब्रेक छोड़ी ना भाई यूं करके उठी है गाड़ी, यूं करके जैसे अभी भाई दीवार पे जाके लगेगी, ओए होए 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 भाई डायनामिक्स तो लाजवाब है, ओए होए होए, ये भाई स्कोडा तेरी मज़ा आ गया। तो यहाँ पे लगा लेते हैं भाई गाड़ी। सबसे बड़ा फ़र्क मुझे लगा कि भाई जब आप टाइगून में मतलब आप बैठते हो, आप उसमें जब ब्रेक रिलीज़ करते हो ना ऑटोमेटिक में, तो भाई वो गाड़ी हल्की 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 उठती है 1.5 DSG में। लेकिन भाई इस गाड़ी में ना ब्रेक जैसे ही आप छोड़ोगे, जैसे एक मिनट, जैसे ये देखो ये मैंने डी मोड डाला, ये देखो जैसे ही मैंने ब्रेक छोड़ी ना, ये गाड़ी भाई यूं करके उठने को हो रही है कि बस छोड़ दो मुझे, सुपरमैन हूँ मैं। आज वीडियो के अंदर जो बताएंगे ना लोगों को कि जो सच है ना वही बताया जाएगा कि फर्क बेसिकली है क्या 1.0 और 1.5 के अंदर, क्या बंदे को ज्यादा पैसे खर्च के, जैसे तुमने बोला अभी कि 2-2.5 लाख एक्स्ट्रा खर्च के क्या 1.5 ले लेना चाहिए या 1.0 भी एनफ है। बिल्कुल बिल्कुल, बेसिकली फर्क क्या, ऊपर से ये थोड़ी, ये सेडान जो है प्लेटफॉर्म एक ही है लेकिन सेडान शेप है ये जो है। अभी मैंने चलाई थी ना ये, ये मुझे टाइगुन से थोड़ी ज्यादा मजेदार लगी, इसके डायनामिक्स जो है ना, मतलब आप गाड़ी को ऐसे ऐसे घुसाओ कहीं पे भी घुसा दो, इतनी बढ़िया लगती है गाड़ी। इंजीनियरिंग इनकी काफी अच्छी है। अब अगर हम जैसे बात करें जो ग्रंट है इसका, एंड इसमें भी गियर चेंज हुआ ना, हल्का सा फील हुआ वो उसके अंदर भी होता है 1.5 में, सेकंड टू थर्ड गियर जो है ना उसमें भी पता चलता है।
शुरू के जो गियर है वो उसमें आरपीएम चेंज होता फील होता है, इसमें क्या है इसमें झटका हल्का सा झटका फील होता है। टॉर्क कन्वर्टर और डीएसजी का इतना तो फर्क है, लेकिन इसका इनिशियल ना थोड़ा उससे ज्यादा एग्रेसिव है, पावर मिलती है इसमें। पावर मिलती है लेकिन वो टॉर्क कन्वर्टर की वजह से इसकी इंजन की ट्यूनिंग ऐसी कर रखी है कि हाँ टॉर्क कन्वर्टर में होता ही ऐसा कि इसके अंदर क्या है कि आपको पीक टॉर्क की जो है ना 1600-1700 आरपीएम से ही 1800 आरपीएम से ही आपको मिलने लग जाता है, वो आपको मिलता रहता है टिल 45 आरपीएम। थोड़ी इंजन की ना नॉइस एज कम्पेयर टू 1.5 दोस्तों थोड़ी लाउड आपको देखने को मिलेगी। हाँ जबकि अभी तो इसमें वो लगा हुआ है इंसुलेशन का कपड़ा, डायनामिक्स बहुत ही एक्सीलेंट है, आप एंजॉय करोगे गाड़ी को। 1.5 के अंदर क्या होता है, दक्ष मंत्र को सीधा होता हूँ, उसके अंदर ना पहली चीज तो एक आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस रहता है कि यार इंजन बड़ा है मेरे पास, ठीक है इंजन मेरे पास बड़ा है उसके अंदर गाड़ी का, और मैं कहीं पे भी कोई भी कलाकारी करने की कोशिश करूंगा ना तो इंजन कभी डिसअपॉइंट ये भी नहीं करता, कर रहा जो मुझे भी महसूस हो रहा है, अच्छी पावर है इसमें। हाँ जैसे अब पावर मांगी है तो पावर देनी शुरू हुई है गाड़ी, तो ये देखा पावर देती जा रही है, लेकिन मैंने इसका पूरा लगभग पंजा दबाया। हाँ इसमें यही है जो मुझे फर्क फील हुआ ना एज कम्पेयर टू 1.5 दोस्तों की, अगर इसमें आपको पावर चाहिए ना वो वाली टर्बो वाली तो आपको पंजा काफी ज्यादा प्रेस करना पड़ रहा है। नुकसान क्या पता, माइलेज सबसे बड़ा माइलेज। तो अगर आप इसमें कोशिश करोगे कि मैं थोड़ी पिकअप ले लूं या कुछ ले लूं, सडन पिकअप ले लूं, तो दे तो देगी ये पिकअप। ये डाला एस मोड, ये डाला एस मोड, पिकअप तो दे रही है भाई। आवाज देखो इसकी स्पोर्ट्स बाइक वाली, देखो इंजन और तेरी ऐसा लग रहा है इंजन 6 आरपीएम तक जो है वो होल्ड कर रहा है, जो है पावर बैंड बहुत तगड़ा है यार, पावर बैंड बहुत ही बढ़िया यार। ऐसा है दक्ष, अगर तो आप इस वेरिएंट तक रहते हो ना, एम्बिशन वेरिएंट तो बहुत बढ़िया है, या उनके हाईलाइन वेरिएंट तक रहते हो ना तो ठीक है, और अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाती है तो ठीक है। ये जो है स्टाइल वेरिएंट मत लो यार इसका, यार 1 लीटर जो टॉप एंड मॉडल है ना वो लेने का कोई तुक नहीं बनता 2-2 लाख के फर्क के लिए। यार जमीन और आसमान का फर्क है दोनों इंजन की ड्राइव के अंदर, वो बंदा को तब पता चलता ड्राइव कर रहा है। नहीं मैं कर रहा हूँ ड्राइव, मुझे पता लग रहा है कि ये उस गाड़ी से हल्के इंजन वाली गाड़ी है। लेकिन यार ऐसा है दक्ष, मेरी सजेशन ये है कि अगर आप इसका टॉप मॉडल ले रहे हो ना 1 लीटर का, तो 1 लीटर पे मत जाना, 1.5 लो यार ये बंद करो, ये डर लग रहा है 5.5 देख के। और एक और फर्क जो आपको, इंजन की बात नहीं कर रहा सेडान एसयूवी की बात कर रहा हूँ, जैसे स्लाविया कुशाक वर्टस टाइगून, जो फर्क है देखो ऑन पेपर तो ग्राउंड क्लियरेंस सिमिलर, अबे चींटियां मार ले यार तू, ऑन पेपर तो दोस्तों ग्राउंड क्लियरेंस में कोई जमीन आसमान का फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप बोलोगे यार 10 mm होता ही कितना है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप दोनों गाड़ियों में साइड बाय साइड बैठोगे ना तो आपको नो डाउट टाइगून और कुशाक जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील होंगी एज कम्पेयर टू स्लाविया एंड वर्टस। इन गाड़ियों में क्या है, ये गाड़ियाँ आपको फील होंगी कि भाई बहुत नीची हैं, जैसे अभी तो इसकी सीट पोजीशन भी नीचे देखो, अब मैंने इसकी सीट में पूरी ऊपर कर लेता हूं। पूरी ऊपर करने के बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं ज़मीन पर बैठा हूं, किसी ने मुझे ऊपर धकेला हुआ है, मतलब पता चलता है कि ये गाड़ी ना उनसे नीची है। तो कंफर्ट मेरे ख्याल से अगर आप लॉन्ग रूट पर जा रहे हो तो कुशाक टाइगून थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल रहेंगी, बाकी भाई लोग तो ऑल्टो में भी ट्रैवल कर लेते हैं लंबा लंबा, मैं तो जस्ट आपको कंपैरिजन के लिए बता रहा हूँ। अगर आप आराम आराम से चलाओगे क्रॉलिंग स्पीड बहुत खतरनाक है तो ये आपको एवरेज भी दे देगी दक्ष। हाँ अगर आप इसको खींचने की कोशिश करोगे, इसको 1.5 बनाने की कोशिश करोगे ना तो माइलेज एवरेज एवरेज नहीं निकलेगी इसकी। अब दोस्तों 1.5 DSG क्या करता है कि 5-4 की स्पीड पे दूसरा गियर ले लेता है। अब हम इसमें देखते हैं कि पहला गियर है दोस्तों, यहाँ पे देखना है D1 लिखा हुआ है, ये मैंने छोड़ दी है, मैं रेस नहीं दबा रहा, गाड़ी अपने आप चल रही है। एक मिनट से राइट साइड ले लूँगा, थोड़ा खराब है ये देखो, दूसरा गियर लिया नहीं पहला ही है अभी, एंड मैं बिल्कुल रेस नहीं दे रहा, देख लो मेरा पैर पीछे है, ये देख लो मेरा पैर पीछे है, मैंने सिर्फ ब्रेक छोड़ी हुई है, एंड स्पीड इसकी 10 से ऊपर है। हाँ अच्छी खासी है, थोड़ी सी हल्का 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 रेस दे रहा हूँ मैं, देखते हैं कब गियर चेंज करते हैं, दूसरा गियर कब लेते हैं, हल्का हल्का रेस दे रहा हूँ मैं, एकदम टच कर रहा हूँ मैं रेस को। दूसरा गियर लिया है 1.5 जो है 4 की स्पीड पे दूसरा गियर ले रहा है DSG। हाँ ब्रेक्स तो एक्सेलेंट है ही है, ग्राउंड क्लियरेंस भी ठीक है, ग्राउंड क्लियरेंस भी बहुत ही बढ़िया है,
अराउंड द कॉर्नर्स अगर आपको टर्न लेना है तो भाई ये गाड़ी ज़्यादा मज़ेदार लगती है थोड़ी टाइगून पोशाक से। यार पावर में डिसअपॉइंट नहीं करती है गाड़ी ये। लेकिन अब मैं आपको मेजर फर्क बताऊँ, देखो पावर बहुत है इस गाड़ी में, लेकिन अब मुझे खाली सड़क है भाई, चुल मची कि भाई भगानी है गाड़ी, पंजा दबाया 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 दबाया, देखो कितना पंजा दबाना पड़ रहा है, तब जाके गाड़ी में जो है पावर आई है। ये देखो अब मैंने लगभग पूरा पंजा दबा दिया, लगभग ब्रेकिंग्स बहुत ही शानदार ब्रेकिंग्स, कंट्रोल लाजवाब कंट्रोल, ओए होए होए, ये देखो भाई कैसे मोड़ी है मैंने, कंट्रोल देखो भाई कहीं फियर नहीं आता गाड़ी में, ओए होए होए। इसमें बताऊँ क्या लगता है 1.5 के मुकाबले, इसमें ऐसा लगता है इंजन ना एफर्ट लगा रहा है भगाने में, शोर बहुत मचाता है, लेकिन इसमें ऐसा लग रहा है कि इंजन ना एफर्ट लगा रहा है, जब इसे मतलब खींच भगाते हो ना तो इंजन का ऐसा लगता है इंजन की जान निकल रही है, 1.5 ऐसा लगता है कि यार फट रहा होता है इंजन, 1.5 सीमलेस लगता है, जैसे उस पे कोई लोड ही नहीं है इंजन पे, ये काम आपका पूरा कर रहा है, लेकिन पता लगता है कि कमजोर पहलवान से ज्यादा काम लिया जा रहा है। अगर मैं बोलूं ना बेइंसाफी कर रखी है फॉक्सवैगन ने, 1 लीटर के बाद सीधा ही 1.5। ये गाड़ी इसकी अलाइनमेंट आउट है या फिर सड़क ऐसी है? ऐसी है सड़क ही। ये देखो भाई ग्रैंड विटारा माइलेज क्वीन, इस गाड़ी में दोस्तों आपको रिग्रेट होएगा ना तो सिर्फ एक ही चीज़ का होएगा, रोया इसकी माइलेज, इसकी माइलेज के अलावा आपको किसी चीज़ का रिग्रेट जो है नहीं होने वाला, गाड़ी आपको कहीं से निराश नहीं करेगी, ग्राउंड क्लियरेंस एक्सीलेंट, ड्राइविंग फील एक्सीलेंट, स्टेयरिंग फीडबैक एक्सीलेंट, पावर भी बहुत है, जैसे अभी देखो, अभी ये देखो मैं आपको इसकी मैं थोड़ा नमूना दिखाता हूँ इसकी पावर का। तो भाई ये मैंने डाला स्पोर्ट्स मोड, ये देखो स्पोर्ट्स मोड डाल दिया, ये देखो एसी कर लेते हैं हम बंद, ऐसे करना तो नहीं चाहिए गर्मी बहुत है, लेकिन अब ये देखो लेट रिस्पॉन्स, अब उठी है गाड़ी, अब उठी है, पंजा काफ़ी दबाया हुआ है, पावर बहुत है, इनफ है। देखो सिटी में आपको कहीं से, देखो मैंने थोड़ा रेस छोड़ दी है क्योंकि टर्न आ रहा है, सड़क ख़त्म हो गई, बहुत ही एक्सीलेंट है, मतलब आप ट्रैफिक में ना कहीं पर भी वाड़ दो ऐसा ऐसा करके, आपको पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मेरी गाड़ी रुक जाएगी, मेरी गाड़ी मेरे काबू में आई। दोस्तों ये देखो जो सबसे बड़ा फर्क DSG और टॉक कन्वर्टर 1 लीटर 1.5 में, ये देखो भाई ब्रेक की आवाज़ें सुनो इसकी, ये क्या चूचू चूचू की आवाज़ें आती है ना, ये कस्टमर्स को क्या होता है लेने से पहले नहीं पता होता, जब बंदा ले लेता है फिर वो फंस जाता है, क्योंकि फिर तो ऑपरेशनल नॉइस बताई जाती है फिर तो, क्योंकि कुछ हो नहीं सकता। ये देखो इसका रिवर्स कैमरा काफ़ी अच्छा है, गाड़ी स्क्रीन में आ रहा है एटलीस्ट, ये देखो डी मोड लगने के बाद भी बंद नहीं हो रहा, ये काफी अच्छी चीज है। ये देखो इसकी आवाज़ें सुनो चूचू की, ये नहीं है भाई 1.5 में, चाहे आप स्लाविया ले लो, वर्टस ले लो, कुशाक ले लो, सब स्टैंडर्ड का लगता माल जो लगा हुआ है इसके अंदर, ऐसे थोड़ी ना आवाजें आती है टॉर्क कन्वर्टर हो जाए कोई भी हो, ये क्या हट, ये देखो ऐसा लग रहा है कि कुछ आपने गाड़ी बाहर से सर्विस करवाई हो लोकल मैकेनिक से, एंड कोई पार्ट उन्होंने घटिया लगा दिया रिप्लेस करके, जिसने खरीद लिया उसके पास एक्सेप्ट करने के अलावा कोई और चारा नहीं है, एटलीस्ट लोगों को पता होनी चाहिए ये चीज जो है, इससे नुकसान नहीं है कोई, ब्रेक अच्छी लग रही है बट ये ब्रेक की इतनी अनोइंग और गंदी साउंड आती है ना यार, कि देख हमने भी बेच दी ना इसी साउंड की वजह से ही बेची है गाड़ी, गाड़ी में कोई कमी नहीं है, गाड़ी चलती बहुत अच्छी है, एक और इश्क आया वो देख, हुनी हुनी लाल, तो गाड़ी चलने में तो बहुत बढ़िया है, पावर भी एनफ है इसके अंदर, जितनी का आपको पावर चाहिए हाईवे पे या कहीं पे भी, पावर इसके अंदर पूरी है एनफ है, अगर प्रॉब्लम है तो एक सिटीविटी के अंदर इसके अंदर माइलेज की प्रॉब्लम है, माइलेज देखो अभी मैं आपको दिखाऊं तो वही थी, ये देखो 5.6, जबकि भाई टाइगून में इतनी बुरी तरह चलाते हैं उसमें तो कभी 5.6 की मैंने नहीं देखी, उसमें तो 7.8 8.9 की एवरेज आती है यार, क्या होता है उसमें ना इंजन पर लोड नहीं होता दक्ष, उसमें ना इंजन पर लोड नहीं है, इस पे ना यार वेट तो उतना ही उठा रही है ना गाड़ी, उससे 100-150 किलो कम ही बस होगा इंजन और टोटल पूरे गाड़ी के अंदर कितना का वेट का फर्क है, अब गाड़ी को बार बार चलाना उठाना चलाना उठाना, तो वो शॉर्ट डिस्टेंस पे एवरेज नहीं देता ये इंजन जो है, जबरदस्ती लोग स्क्रीन ही लगाए रखते हैं, मैं अगर देखता हूँ इनका फॉक्स वैगन या स्कोडा का ना, सिर्फ माइलेज वाली स्क्रीन खुली होती है वीडियोस के अंदर या शॉर्ट्स के अंदर फोटोज के अंदर, क्योंकि माइलेज एक कंसर्न है, ये माइलेज देती है हाईवे के ऊपर, हाईवे पे मैनुअल भी दे देती है, ये भी ऑटोमेटिक भी दे देती है,
लेकिन भाई सिटी में भी तो चलाओगे, सिटी में तो भाई अब गाड़ी, अब आप मुझे खुद बता दो दोस्तों, ये माइलेज देखने के बाद आप सिटी में निकालोगे इस गाड़ी को, लोकल आपको कुछ काम से जाना है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो कि स्कॉडा स्लाविया 1 लीटर कैसे 1.5 से अलग है। देखो इंजन तो अच्छा डिसअपॉइंट नहीं करता, देखो रीज़न है कि क्यों 1 लीटर आपको 12 लाख में भी मिल जाता है और 1.5 से 22 लाख में मिलता है। अगर तो आप नीचे के वेरिएंट्स ले रहे हैं तो इंजन अच्छा है, आप ले सकते हैं। बेस वेरिएंट लो इसका, बेस वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बट अगर आप ले सकते हैं तो हम आपको यही सजेस्ट करेंगे कि 1.5 ही लेना। दोस्तों यही थी आज की वीडियो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं आपके लिए ऐसा कॉन्टेंट लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।